अब से कुछ देर में स्मार्ट सिटी योजना की जो बारीकियां हैं वो तय की जाएंगी। विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर। चलिए पहले हम आपको विज्ञान भवन ही लिए चलते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वहां पर। दरअसल नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उन्होंने पिछले ही साल सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले अपने इस सपने का जिक्र किया था कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि 2022 तक हिंदुस्तान में सबके पास रहने के लिए एक घर हो। इसकी व्यावहारिकता पर सवाल बहुत उठे, लेकिन इसके साथ उन्होंने दो और योजनाएं बताई जिसमें देश के 100 शहरों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाए, और साथ ही 500 ऐसे शहर होंगे जिनका एक तरह से समझे तो पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये अमृत योजना के तहत, यानी अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो 100 और 500 शहरों का कोटा है वो अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। शहर के माफ कीजिएगा, राज्य के आकार और आबादी के हिसाब से उसे उतने शहर आवंटित किए गए हैं जिन्हें स्मार्ट शहर के तौर पर विकसित किया जा सके। उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा हिस्सा इसमें मिला है, 13 शहर उत्तर प्रदेश के ऐसे होंगे। अब वो शहर कौन से होंगे ये राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रस्तावित करेगा कि वो 13 शहर जिन्हें वो स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित देखना चाहता है, लेकिन इसके पैमाने होंगे, इसके चंद पैमाने होंगे जिसके आधार पर स्मार्ट सिटी को चुना जाएगा। वेंकैया नायडू ने भी इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से सिटी कॉम्पिटिशन होगा। जो 100 शहर होंगे वो एक साथ वहां पर काम नहीं शुरू होना है, बल्कि पहले चरण में यानी कि पहले फाइनेंशियल ईयर के लिए 20 शहरों को चुना जाएगा उन 100 में से जो 100 प्रस्तावित शहर होंगे, और उसके बाद 40-40 शहरों को अगले 2 सालों में वहां पर विकास की शुरुआत होगी। दरअसल ये एक बहुत लंबा वक्त होता है, कम से कम 10 साल लग जाते हैं कि पहला असर नजर आए। दुनिया में जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी करीब 2008 में, उसके बाद से पहला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत, जो वर्ल्ड स्मार्ट सिटीज की परियोजना है उसके तहत पहला स्मार्ट सिटी अभी विकसित हो नहीं पाया है, अभी इंतजार है उसका। हाँ, चंद ऐसे देश दुनिया में हैं जो कहते हैं कि हमने 1970 में ही इस तर्ज पर विकास शुरू किया था और वो स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में जिन पैमानों को देखा जा रहा है उसके तहत भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। जो अंतर्राष्ट्रीय जानकार है वो भी ये मानते हैं कि भारत में चुनौती इस बात की ज्यादा है कि आप बुनियादी ढांचे का विकास करें, उसमें तकनीक किस तरह से सम्मिलित होता है ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही। प्रधानमंत्री को अभी पूरी जानकारी दी जा रही है और इसके बाद प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे वहां पर मौजूद तमाम लोगों को। दरअसल स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी चीज है कि किस तरीके से निर्माण में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से ई गवर्नेंस का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, इस वक्त जो चीजें हम देख रहे हैं तस्वीरों में उसमें प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है, हम आज क्या क्या उम्मीदें करें संजय? इसमें उम्मीदें तो ये हैं कि उम्मीदों के पंख लग रहे हैं और जो सतरंगी उम्मीदें हैं वो सारी हकीकत की जमीन पर उतारने की तैयारी हो रही है। आज उसका श्री गणेश होने वाला है। 500 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख के ऊपर है और जिनमें नगर पालिका है, उनको कैसे स्मार्ट सिटी के दायरे में दाखिल किया जाए, यानी उनका पहला कदम होगा स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ने के लिए, और जो 100 स्मार्ट सिटीज हैं उनमें किस तरह से चीज़ों को गाइडलाइन जारी करेंगे प्रधानमंत्री कि उनके आधार पर निर्माण हो और जो पुराना निर्माण है उसको उन्हीं के आधार पर, उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर उन्हें अमल में लाया जाए ताकि उन शहरों को स्मार्ट सिटीज के दायरे में लाया जा सके, उन्हें बनाया जा सके और उनका ट्रांसफॉर्मेशन यानी कायाकल्प किया जा सके। तो इन पूरी और इसके लिए, इसके अलावा सबके लिए आवास यानी शहरी इलाकों में
झुग्गी बस्तियां हैं उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करके बहुमंजिला इमारतों में लाया जाए और कैसे उसमें तकनीकी की सुविधाएं दी जाएं, इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं दी जाएं और किस तरह से ई गवर्नेंस को आगे बढ़ाया जाए ताकि पर्यावरण को कैसे दुरुस्त किया जाए, उन तमाम चीजों पर एक बड़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस आ रही है जिसे जारी किया जाएगा। और इसके साथ ही यानी स्मार्ट सिटी बनने की ओर भारत के 100 शहर और 500 छोटे शहर उन वो आगे बढ़ जाएंगे, यानी स्मार्ट सिटी की राह पर 600 शहरों का कायाकल्प किस तरह से किया जाएगा उसके लिए आज श्री गणेश हो जाएगा। संजय, अभी तक बहुत अटकलें चल रही हैं बहुत सारे नामों पर, यहाँ तक कि एक एक राज्य से जिनको अब सिर्फ एक शहर आवंटित किया गया है, वहां से पहले से बताया जाता था कि वहां तो 3 स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे, तो क्या आज स्पष्टीकरण हो जाएगा, क्या आज कम से कम उन पहले 20 शहरों के नामों का ऐलान होगा? कुछ शहरों के नामों का ऐलान तो हो जाएगा लेकिन तमाम राज्यों को एक महीने का वक्त दिया गया है, आज से एक महीने का वक्त होगा जिसमें वो अगर किसी राज्य के लिए 3 स्मार्ट सिटीज बननी है और 25 अमृत शहर यानी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन इसके तहत 25 शहर हैं, तो उन्हें एक महीने के अंदर वो नाम बताने होंगे कि कौन कौन से शहरों को राज्य सरकार चाहती है कि उन्हें अमृत योजना में शामिल किया जाए और कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिन्हें स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित किया जाए, तो एक महीने में सरकारों को ये बताना होगा। और फिलहाल जिन जिन राज्यों में एक एक शहर है वहाँ के तो राजधानियां जाहिर है कि राजधानी को विकसित किया जाएगा और जहाँ एक से ज्यादा शहर है वहाँ राज्य सरकारों को तय करना होगा, उनका विशेषाधिकार है, वो तय करके केंद्र सरकार को बताएंगे कि वो कौन कौन से शहरों को स्मार्ट सिटीज के रूप में और कौन कौन से शहरों को अमृत सिटीज के रूप में विकसित करना चाहते हैं। तो अभी जो प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है वो क्या चीज है? ये एग्जीबिशन है यहाँ पर तमाम राज्यों में और राज्यों में जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको एग्जीबिट किया गया है और ये बताया गया कि किस तरह से किन किन शहरों ने ई गवर्नेंस के जरिए या बिना प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ावा दिए किस तरह से राजस्व जुटाया गया है, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां अपने स्तर पर जो परियोजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही और जो भावी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, जिसमें अभी दिल्ली का निरीक्षण कर रहे हैं, दिल्ली का जो एग्जीबिशन लगी हुई है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, बॉम्बे में भेंडी बाजार और बाकी कैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाना है, उन इलाकों में किस तरह से परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या योजनाएं बनाई गई हैं, उनके मॉडल्स दिखाए गए हैं, उनके उनकी फिल्में बनाई गई हैं, एनिमेशन फिल्में, और वो सारा दिखाकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है कि स्मार्ट सिटीज में क्या क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह से उस पर अमल किया जाएगा, यानी जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं के जरिए किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी उनकी जानकारी दी जा रही है। हम अपने दर्शकों को संजय सुनाने की भी कोशिश करते हैं कि दरअसल किस तरह से उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है, प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है सबकी और क्या ब्रीफ दे रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश को 13, तमिलनाडु 12, महाराष्ट्र 10, इस तरीके से राज्यों के आकार और आबादी को देखते हुए स्मार्ट शहर आवंटित किए गए हैं। अब देखना है कि कौन से शहर उन राज्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं विकास के लिए। ऐसा नहीं है कि समूचे शहरों का निर्माण हो जाएगा एक बार फिर, बल्कि चंद ऐसे शहर होंगे जहां पर बुनियादी ढांचा है, उसे बस विकसित करने की ज़रूरत है, दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वहां पर तकनीक के इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, यानी ई गवर्नेंस जैसी चीज़ें, और थोड़ा सा इतिहास भी देखा जाएगा कि वहां पर किस तरह की चीज़ें रही हैं, वहाँ कर्मचारियों को क्या वक्त पर तनख्वाह दी जाती रही है, इस तरह की चीजें ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा हर जगह का और उसके बाद तय किया जाएगा कि किस शहर को चुना जाए। जो पहले 20 शहर चुने जाएंगे उन्हें 100 करोड़ की राशि हर एक शहर को दे दी जाएगी ताकि काम की शुरुआत हो सके। स्मृति ईरानी के घर के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग है स्मृति ईरानी के इस्तीफे, एक तरफ कैमरा पर्सन वाइस देश की तरफ देश के लिए ये सपने लॉन्च किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो विवाद हैं जिनमें सरकार घिरी हुई है। स्मृति ईरानी पर जिस तरीके से कल कोर्ट ने कह दिया कि हाँ इस मामले की जाँच हो सकती है, ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। दरअसल दिल्ली की राजनीति पल भर के लिए थम नहीं रही है,
दिल्ली में जिस तरीके से तोमर की फर्जी डिग्री पर विवाद हुआ और उसके बाद बताया गया कि 12 और ऐसे विधायक हैं जिनकी डिग्री फर्जी हो सकती है, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये राजनीति है और जाहिर है जैसे ही राजनीति का मौका मिला वो भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।